ये ध्यान दे के संबंध और संबंधित हमें समझना है. अब बात करेंगे हम एनीवन और एनीबडी. एनीवन और एनीबडी का मीनिंग होता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, कोई भी चलेगा, ठीक है. तो यहां पर एनीवन का इसमें क्या मतलब हो गया, कोई भी चलेगा, कोई भी. और संबंध और संबंधी मतलब अफर्मेटिव है, फन कोई, ठीक है. तो यहां पर थोड़ा सा एनीवन और एनीबडी का हम देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग रखेगा, नेगेटिव थॉट रखेगा कि कोई भी चलेगा भाई, भले ही उसको डांस आता ना हो लेकिन हम उसको पीछे खड़े कर देंगे स्टेज के. हमें तो अपने मेंबर्स की गिनती बढ़ानी है, भले थोड़ा बहुत कम ज्यादा आता होगा लेकिन चलेगा. तो यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है, ये एकदम परफेक्ट रहता है कोई व्यक्ति चाहिए. यहाँ पर भी अनोन बात दोनों की जगह कैसी हो रही है, अनिश्चित, अनिश्चितता की हो रही, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है. लेकिन यहाँ पर थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी, यही थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर रहता है, ठीक है. तो यदि बोला जाए कि कोई भी व्यक्ति यह काम कर सकता, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति, तो भी वर्ड लग गया ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल. तो यदि कोई भी व्यक्ति की बात की जाएगी तो अनोन, यदि नोन की बात की जाएगी तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, एनीबडी कैन डू दिस, यह काम कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू दिस, ठीक है. यदि किसकी, नोन पर्सन की बात हो रही है, ठीक है. यदि अनोन की बात हो रही है, यदि दुनिया के सारे व्यक्तियों के बारे में बोला जा रहा है जिन्हें हम जानते भी नहीं, बड़े के सारे व्यक्तियों के बारे में बोला जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एनी वन कैन डू दिस, कि दुनिया के कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है. और एनीबडी कैन डू दिस मतलब हमारे जिस भी ग्रुप में हम बैठे हैं, ठीक है, तो जब हम फैमिली की बात करें या स्टूडेंट क्लास की बात करें तो वहां पर एनीबडी, यहाँ पर दुनिया का कोई भी व्यक्ति, ठीक है. यदि बोला जाए कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है, ठीक है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति मतलब अनोन पर्सन भी रहेंगे ना उसमें, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, एनी वन कैन लर्न इंग्लिश, एनी वन कैन लर्न इंग्लिश, दुनिया का कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है. ऐसे बोल सकते हैं कि दुनिया का कोई व्यक्ति इंग्लिश पढ़ा सकता है, तो एनी वन कैन टीच इंग्लिश, ठीक है ना, एनी वन कैन टीच इंग्लिश, ठीक. यदि यहां पर यही चीज लिखी जाए, एनी वन कैन टीच इंग्लिश, ठीक है. तो ये सेंटेंस सारे कैसे है हमारे, अफर्मेटिव है. अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिविटी भी मूड में बताई जाती है. पहला सेंटेंस क्या था, एनीबडी कैन लर्न इंग्लिश, मतलब कोई व्यक्ति सीख सकता, तो मुझे आपको यहाँ पर इंस्पायर कर रहा है, तो ये कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है. तो इसलिए ये कैसा सेंटेंस बन जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह काम करता है. अब इसी को हम इंटरोगेटिव में कैसे यूज कर सकते हो और नेगेटिव में कैसे यूज कर सकते हो, एनीवन और किसको, एनीबडी. यदि बोला जाए सेंटेंस में, कहा जाए, कोई बोल रहा है कि सपोज मैं कहीं पर गई, किसी जगह पर गई, ठीक है, और वहां पर मुझे कोई नहीं मिला, ठीक है ना, किसी जगह पर गई मैं, मार्केट गई, कहीं गई तो, और वहां पर मुझे कोई नहीं मिला, तो मैं क्या बोलूंगी कि आई डिड नॉट फाइंड एनीवन देयर, ठीक है ना. मैंने बोला कि मुझे वहां पर कोई भी नहीं मिला, तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा इंग्लिश में, आई डिड नॉट फाइंड एनीवन देयर, ठीक है, आई डिड नॉट, ठीक है, फाइंड एनीवन देयर. अच्छा, तो कहीं यदि मार्केट जा रहा है, टेम्पल जा रहा है, तब की बात हो रही, बैंक जा रहा है तब की बात हो रही. यदि सपोज यही बात बोली जाए, हम किसी फैमिली मेंबर के घर जा रहे हैं, या बोल सकते किसी फैमिली फ्रेंड के घर जा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर यदि कोई नहीं मिलेगा तो फिर हम वहां पर हम एनीवन का यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि एनीवन का मीनिंग तो कहां पर यूज होगा, एनीवन हम कहां पर यूज करेंगे, जहां पर हमें
unknown person की बात हो रही है, क्योंकि जहाँ पर ऐसे लोग हो जिन्हें हम जानते नहीं, जिनसे हम पहले मिले नहीं, जिनसे हमारी पहले बात नहीं हुई, लेकिन यदि हम किसी फैमिली के किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं, ठीक है ना, या हम बोल सकते स्कूल जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, तो वहां पर तो हम लोगों को जानते हैं ना, तभी तो जा रहे हैं, तभी तो वो हमारा फ्रेंड है, तभी उसे जानते हैं, तो फिर वहां पर हम क्या लिखेंगे, एनीबडी, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पर किसी फैमिली किसी क्लास की बात की जाए तो यहाँ पर आ जाएगा एनीबडी, तो एनीबडी देव, ठीक है। आई डिड नॉट फाइंड एनीवन देयर और आई डिड नॉट फाइंड एनीबडी देयर, ये कहां पर, ये हम किसी मार्केट में जा रहे हैं तब एनीवन, ठीक है। और एनीबडी कहां, जब किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं, किसी मैरिज में जा रहे हैं, ठीक है, दोस्त की शादी में जा रहे हैं, तो वहां पर, क्योंकि वहां पर हम लोगों को जाने नहीं, तभी वहां पर एनीबडी लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या नेगेटिव भी, हम एनीवन और एनीबडी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या बचता है हमारा, कि इसको हम कैसे यूज करें, हम यहाँ पर इसको अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य में भी यूज कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं प्रश्न बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, कि तुम वहां पर किसी को, क्या तुम वहां पर किसी को जानते हो, ठीक है ना, क्या कोई भी तुम्हें वहां पर जानता है, किसी को भी तुम वहां पर जानते हो, तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, डू यू नो एनी बडी देयर, ठीक है। तो एनी बडी में भी हम किसी मैरिज में जा रहे हो, तो शादी में जाते रहे, लेकिन किसी को जानते हो क्या वहां पर, तो यू नो एनी बडी देयर, ठीक है, तो वहां पर जानने वाले। अब यहाँ पर अननोन पर्सन की बात हो जाएगी, तो यहाँ पर हम एनीबडी के प्लेस पर हम क्या भी लिख सकते हैं, एनी वन भी लिख सकते, ठीक है, तो डू यू नो एनी वन, ठीक है। तो यहाँ पर बात क्या हुई कि हम एनीवन और एनीबडी का यूज तीनों ही सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और किसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। और एनीवन और एनीबडी का मीनिंग क्या होता है, कोई भी, ठीक है। एनीबडी किसके लिए, बडी दोस्त के लिए, मतलब जिन्हें हम जान रहे हैं, और एनीवन जिन्हें हम नहीं जान रहे, वैसे कई हम और सेंटेंस भी बना सकते हैं, जैसे कि हर कोई डांस, कोई भी व्यक्ति डांस कर सकता है, ठीक है ना, कोई भी व्यक्ति डांस कर सकता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एनी बडी कैन डांस, ठीक है। एनी बडी कैन डांस से कुछ याद आ रहा है, एनी बडी कैन डांस क्या है, ये ए बी सी डी एक मूवी का नाम है ना, एनी बडी कैन डांस, हर कोई डांस कर सकता है, तो ए बी सी डी मूवी है प्रभुदेवा वाली, ठीक है, तो एनी बडी कैन डांस, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति डांस कर सकता है, तो कोई भी के मीनिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पर्सन की बात करेंगे, ठीक है। तो एनीबडी और एनीबडी क्यों लिखा है, क्योंकि जानने वाले ग्रुप की बात हो रही है, और यदि हम यहाँ पर एनीवन भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बस हम ऐसा इसी के साथ एनीबडी के साथ लिख सकते हैं, हम एनीवन भी लिख सकते हैं, तब हमारे सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाए, कमिंग, कोई आ रहा, ठीक है ना। अब यदि बोले कि भाई ऐसे लोगों की बात की जा रही है, वर्ल्ड के सभी लोगों की, कोई भी व्यक्ति डांस कर सकते हैं, एनीवन कैन डांस, ठीक है, एनीबडी कैन डांस, ठीक है, तो इस तरीके से